नमस्कार दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया गया है। वहां एक प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि साफ साफ कहते हैं, मित्राणि धन धान्यानि प्रजानां सम्मात्मनि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मतलब मित्रता धन धान्य का इस धरती पर बहुत महत्व है, बहुत मान सम्मान है, लेकिन जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। हमारी सनातन परंपरा में भी इस बात को बार बार दोहराया गया है। अपनी भारत भूमि के बारे में कहा गया है कि ये एक ऐसी भूमि है जहां देवता भी अवतार लेने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब पुरानी बातें थीं, नई बात तो ये है कि अब भारतवासी अपनी भारत भूमि छोड़कर विदेशों में रहने के लिए लालायित हो रहे हैं। जी हाँ, बात सुनने में थोड़ी अजीब ज़रूर आपको लग रही है, लेकिन बात बिल्कुल सही है और इसकी पुष्टि खुद माननीय मोदी जी के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की है। गृह राज्य मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले सात साल मतलब मोदी जी के कार्यकाल में 8,81,000 भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ दी है। हर रोज के हिसाब से इस आंकड़े को देखा जाए तो करीब 350 मतलब 350 भारतीय देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। देश में नागरिकता छोड़ने की इतनी ऊंची दर कभी नहीं थी। खास बात यह है कि मोदी जी और उनके माननीय मंत्री गणों की तरफ से माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। देश में हर क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हो रहे हैं। मोदी जी की बदौलत भारत बस विश्व गुरु बनने वाला ही है, लेकिन हकीकत यह है कि देश महापलायन द ग्रेट इंडियन माइग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। देश के हजारों नागरिक हर रोज विदेशी नागरिकता के लिए आवेदन डाल रहे हैं और जिनका आवेदन मंजूर हो रहा है वो हौले से खिसक ले रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए बाहर जाना कोई नई बात नहीं है। पहले भी लोग रोजगार की तलाश में अमेरिका, कनाडा या फिर खाड़ी देशों में जाते रहे हैं, लेकिन वो लोग वहाँ बसने नहीं जाते थे। वो लोग देश की नागरिकता नहीं छोड़ते थे, वो लोग बस कमाने के लिए जाते थे, विदेशों में जाते थे, काम धाम अपना करते थे और फिर वापस अपने वतन लौट आते थे। अब मोदी जी के राज में ये सब उल्टा हो रहा है। लोग कमाने से ज़्यादा अच्छी और सुरक्षित जिंदगी की चाह में विदेशी नागरिकता ले रहे हैं। देश के करोड़पति और अरबपति विदेशी नागरिकता पाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। मॉर्गन स्टैनली बैंक ने जो डाटा जारी किया है उसके मुताबिक साल 2014 से 2018 के बीच 23,000 भारतीय करोड़पतियों ने देश छोड़ दिया है। एक दूसरी इंटरनेशनल संस्था ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 5,000 भारतीय करोड़पति अकेले साल 2020 में भारत छोड़कर विदेशों में अस्थायी रूप से रहने के लिए चले गए हैं। खास बात ये भी है कि ये सभी करोड़पति अरबपति इंडियन उस गोल्डन वीजा के जरिए विदेशी नागरिकता ले रहे हैं जिसमें अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। ये जो गोल्डन वीजा है इसके लिए काफी दाम देने पड़ते हैं। दिलचस्प तथ्य ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने दावा किया था कि दुनिया में भारतीय पासपोर्ट का वजन बढ़ रहा है, मतलब भारतीय नागरिकता की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने है। भारतीय ही भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में भाग रहे हैं। माननीय मोदी जी, देश से हो रहे इस महापलायन पर थोड़ा नजर डालिए। हर रोज 350 भारतीय देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को समझिए और उचित कार्रवाई कीजिए। आप निश्चित रूप से इतने समझदार हैं कि आपको अलग से समझाने की जरूरत नहीं है कि आखिर लोग इस भारत भूमि को क्यों छोड़कर जा रहे हैं जहां देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। नमस्कार।